Hello guys, welcome to Achieve IAS. My name is Ayush Methi. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केरला ने अभी हाल ही में पहला स्टेट बना है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास गया है और उसने चैलेंज किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को, CAA 2019 को. कुछ टेक्निकल लीगल डिटेल्स हैं जिनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिनको भी समझ में नहीं आया होगा कि केरला किस आर्टिकल के तहत गया है और क्या कंप्लेन कर रहा है. सबसे पहली बात तो ये जान लो कि केरला गया है सुप्रीम कोर्ट के पास ये कहते हुए ये कंप्लेन कर रहा है कि जो CAA है वो आर्बिट्ररी है, अनरीजनेबल है, इरेशनल है और वॉयलेटिव है फंडामेंटल राइट्स का. ये चीज़ जब केरला कहता है कि हमें फोर्स किया जाएगा आर्टिकल 256 के अंदर CAA को इन्फोर्स करने का, CAA के साथ कंप्लाई करने का, तो एक तरह की ज़बरदस्ती है जो हमारे साथ की जा रही है. किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए जो कि फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेटिव है. अब बात ही निकल के आ रही है कि केरला, अब जैसे आप जानते हैं कि सिटीजनशिप जो है सब्जेक्ट वो सेंटर के अंदर आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है अपनी. यूनियन लिस्ट के पास जो भी यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होती हैं वो सब सेंटर उस पर लॉ बना सकता है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉ बना सकता है. सिटीजनशिप सेंटर लिस्ट के अंदर आती है, यूनियन लिस्ट के अंदर आती है. तो जब ये चीज़ पहले से लिखी हुई है कि सिटीजनशिप पहले से ही यूनियन लिस्ट के अंदर एक सब्जेक्ट है, उस पर सेंटर कानून बना चुका है, तो केरला क्यों प्रश्न खड़े कर रहा है उसके ऊपर, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिखा हुआ है कि सेंटर इस पर कानून बना सकता है, तो फिर क्या उसको क्यों वो सुप्रीम कोर्ट में गया है. बेसिकली वो ये इसलिए गया है, वो ये सुप्रीम कोर्ट को आप शो करना चाहता है कि आप अपनी पावर ढंग से डिसाइड करो, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ओरिजिनल जुडिक्शन मिली हुई है. स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, स्टेट से स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिक्शन है. ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब कि अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, सेंटर या स्टेट या स्टेट या स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, तो इसमें ओरिजिनल जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है, यानी ये केस सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा. एक होती है अपनी अपेलेट जुडिक्शन. अपेलेट जुडिक्शन में क्या होता है कि जब हाई कोर्ट फैसला दें या कोई लोअर ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो ट्रिब्यूनल है वो कोई फैसला दे, कोई लोअर कोर्ट अगर फैसला दे उस पर अगर पार्टी खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है अपेलेट जुडिक्शन के अंदर अपील करते हुए. ठीक है, अपेलेट जुडिक्शन एक अलग चीज़ है, ओरिजिनल जुडिक्शन एक अलग चीज़ है. ओरिजिनल जुडिक्शन इस ये अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हम क्या ये चेक कर सकते हैं कि जो लॉ सेंट्रल लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है, क्या हम ये देख, क्या कोई स्टेट ये देख सकता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अगर वो ये देख पा रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो क्या वो उस सब्जेक्ट को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ बिल्कुल, आप अगर कोई लॉ है, हाँ ऐसे आपको आप बाध्य हैं इस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए क्योंकि आर्टिकल 256 ऐसा कहता है कि आपको, देखो आर्टिकल 256 ये है कि कोई भी जो लॉ बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा या कोई भी लॉ एग्जिस्टिंग है जो कि स्टेट में अप्लाई होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसकी बात माननी पड़ेगी, कंप्लायंस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ देना पड़ेगा. तो 256 के तहत आपको ये मानना पड़ेगा, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा. सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस निकल के आया है कि क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंटर्स में, यूनियन लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली के बेस पे सुप्रीम कोर्ट आ सकता है. अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप आ सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा CAA जो केरला पॉइंट्स बता रहा है उसके हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है. तो सबसे पहले तो केरला को एंट्री मिलनी चाहिए. अब चलो मान लो केरला सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, हम आपको परमिट करते हैं कि आप आ सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेंज चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम सेंट्रल लिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बनाया गया है उस पर. सुप्रीम कोर्ट ने अगर एग्री करता है तो केरला गवर्नमेंट ने पेश करेगी अपने आर्ग्यूमेंट्स कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है. तो आर्टिकल 14 आपका, एक तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, ये आपको पता रहना चाहिए. फंडामेंटल राइट्स तो आपको मुंह पे रटे हुए रहने चाहिए. फंडामेंटल राइट्स बहुत वजह से क्वेश्चन में थे, खासकर आर्टिकल 21 तो प्राइवेसी के लिए भी था, राइट टू इंटरनेट एक्सेस के लिए भी था और कई चीज़ों के लिए था. तो अगर आप देखेंगे तो ये आर्टिकल तो आपको रटे हुए रहने चाहिए और ये आर्टिकल के बेसिस पे केरला सरकार जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को बोलेगी
कि भैया ये कारण की वजह से ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। इसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ही नहीं बल्कि केरला सरकार ने पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया अमेंडमेंट रूल 2015 और फॉरेनर्स अमेंडमेंट ऑर्डर 2015 को अल्ट्रा वायर घोषित करने का जो है रिक्वेस्ट किए सुप्रीम कोर्ट से। अल्ट्रा वायर मतलब इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए कि केरला गवर्नमेंट यहाँ पे ये नहीं कह रही कि केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजनशिप पे कानून बना सकती है या नहीं बना सकती। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रही। वो ये कह रही है कि कोई भी लॉ चाहे वो सेंटर बनाए चाहे यूनियन लिस्ट में हो, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो राज्य सरकार उस पर मूव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये ना केवल भारत के संविधान का वॉयलेटिव है अकॉर्डिंग टू केरला गवर्नमेंट, बल्कि ये इंडिया के इंटरनेशनल ओब्लिगेशंस हैं, जो कानून कायदे हैं उनको भी वॉयलेट करता है। एक तो आप आर्टिकल 14 देख लीजिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल 15 आप पढ़ सकते हैं, आर्टिकल 26 जो कि इंटरनेशनल कन्वेनेंट और सिविल पॉलिटिकल राइट्स का है, इन सबको वॉयलेट करती है। अब बात आते हैं आर्टिकल 131 पे। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिक्शन है, मैंने आपको समझा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास देखो ओरिजिनल जुडिक्शन होती है, रिट जुडिक्शन होती है, अपलेट जुडिक्शन होती है, एडवाइजरी जुडिक्शन होती है और कई सारी पावर्स होती हैं। ये केस गया है आर्टिकल 131 के अंतर्गत कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मसले पे डिस्प्यूट डिसाइड उसका जुडिक्शन दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, लेकिन क्या वो सब्जेक्ट अगर वो सेंट्रल लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है, तो उस पर भी कोई केरला, उस पर भी कोई राज्य सरकार मूव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? ये डिस्प्यूट है एक्चुअली में। तो ये डिस्प्यूट अगर कोई भी निकल के आ रहा है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में या राज्य सरकारों के बीच में, तो यहाँ पे वो देखा जाएगा कि उसमें क्वेश्चन किस डिस्प्यूट किस बात पे लग रहा है। डिस्प्यूट अगर लीगल राइट पे लग रहा है तो फिर जो है अलाउ कर दिया जाएगा। प्राइवेट सिटीजन को अलाउ नहीं है कि वो प्राइवेट सिटीजन कोई भी सूट इसके अंदर लाए, कोई भी केस करे, केवल सरकारों के को ही ये इस ओरिजिनल जुडिशन के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बेसिकली ओरिजिनल जुडिशन का मतलब ये है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस जाए। अपेलेट जुडिशन में ऐसा नहीं है, वो अपेलेट जुडिशन में कोर्ट लोअर कोर्ट का डिसीजन रिव्यू करता है। अब मैं आपको आर्टिकल 131 पे बातें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स निकल के आए हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट से मुकर गया कई बार। जब भी अब कई बार क्वेश्चन निकल के आया, जैसे आज निकल के आया, इतने दिनों में निकल के आया कि कोई भी राज्य किसी भी सेंट्रल लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेंज चैलेंज करते हुए आर्टिकल 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो दो जजमेंट्स हैं इसके रिलेटेड। एक 2012 में आया था, एक 2015 में आया था। 2012 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, राज्य सरकारों के पास ये पावर नहीं है कि वो सेंट्रल लॉ को चैलेंज करें। मान लिया कि वो डिस्प्यूट राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में है, लेकिन अभी भी वो पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ में ही है। भाई मान लो स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट, उस पर अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना रहा है, फिर आपको जो है दिक्कत है, तो फिर आओ सुप्रीम कोर्ट। अब सेकंड जजमेंट निकल के आया स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, इन्होंने बिल्कुल अपोजिट व्यू ले लिया पिछली जजमेंट का। इन्होंने कहा कि बिल्कुल राज्य सरकार कर सकती है, और वो जो केस निकल के आया था स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को ध्यान रखना, क्वेश्चन तो ये था लॉ का, कानून का, उसको सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को जो है ट्रांसफर कर दिया गया, रेफर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। तो कहने का मतलब अलाउ कर दिया गया कि ठीक है इस केस को आगे चलने दो, इसके ऊपर हम जुडिक्शन देंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है केरला का, जो क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी बातें मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, जजमेंट्स कितनी देर में आएगा, कब तक आएगा, कितने महीनों में, कितने दिनों में आएगा। काफ़ी बड़ा इशू है, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी ज़्यादा वक्त भी इसमें जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इशूज़ भी निकल के आएंगे। लेकिन मगर आपसे बात करूं कि क्या करना चाहिए, अब तक जो एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर में आए, जिन्होंने इतने इशूज़ के बारे में बात की, इतने ओपिनियंस दिए, उनमें से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने सॉल्यूशंस बताए होंगे, और सॉल्यूशंस मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूं। देखो सबसे पहली बात तो सीएए की अगर मैं बात करूं, तो सीएए उसका इंटेंट और जो मकसद है सरकार के पीछे, वो हो सकता है कि सही है, इस पर कोई प्रश्न ना खड़ा कर सकते हैं आप, ना इस पर कोई प्रश्न खड़ा करने की ज़रूरत है। लेकिन आप ये देखिए कि इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, किसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे। CAA मान लिया कि जो माइनॉरिटी को इंक्लूड करने के लिए है, और काफ़ी अच्छा एक कदम है, लेकिन CAA के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो पीस डिस्टर्ब हो रही है, जो यहाँ पे हमारी इंटरनेशनल इमेज बन के आ रही है, तो क्या हम CAA को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो ये सब कुछ होता नहीं होता। तो हमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए कि क्या, या तो सरकार
अपने लोगों को समझा नहीं पाई या फिर इसके इम्प्लीकेशंस को देख नहीं पाई, तो हमको किसी भी कानून को, और ये मेंस में आप आराम से लिख सकते हैं, किसी भी कानून को उसके इंटेंट से नहीं देखना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए उसके इफेक्ट और इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, और यही बात सीधी सीधी एनआरसी पे लागू होती है। तो इसको इसी एक ब्रेक दे देना चाहिए अगर शांति बनाए रखना चाहते हैं तो। बाकी अगर इंटेंट सही है सरकार का और सरकार ढंग से मैनेज कर सकती है तो इसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, वरना इसको एक ब्रेक देना चाहिए और बाकी जो होगा वो, ये मेरा व्यू है, एक मेरा ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जब तो हो ही नहीं सकता, और जजमेंट जब तक आए तब तक इस चीज़ पे ब्रेक दे देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट लेता है, उस हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन अभी शांति बनाए रखें, नॉन वॉयलेंस ना करें, और जो भी है उस पर ध्यान से, जो भी इशूज़ निकल के आ रहे हैं उनके बारे में जागरूक रहिए। CAA की बात निकल के NRC की बात करते हैं। NRC के पीछे भी देखो, कौन सा देश ऐसा नहीं है दुनिया में मुझे बता दो जिसके पास सिटीजन रजिस्टर नहीं है, है ना? ज़रूरी भी है देश की सिक्योरिटी के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी का खतरा भी एक है ना। अब NRC पे भी वही चीज़ें लागू होती हैं कि क्या NRC की ज़रूरत है। आप बोलोगे बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि और देशों ने भी ये लागू किया है, लेकिन क्या भारत की स्थिति और देशों की स्थिति जैसी है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। दूसरी बात, NRC, आप बोलोगे NRC के पैरामीटर से भी डिसाइड नहीं हुए, NRC का भी किस बेसिस पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे ये डिसाइड नहीं हुआ, NRC पे भी कुछ खास स्टेटमेंट आया नहीं है। तो आप मुझे बोलोगे कि आप किस तरीके से कह सकते हो कि NRC पे ब्रेक लेना चाहिए? हो सकता है कि NRC में जो डिटेल मांगी जाए लोगों के पास, वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए वो उनके पास हो, हो सकता है ज़्यादा हरेसमेंट इसमें नहीं हो। बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ कि पैरामीटर्स अगर हल्के होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे अगर सबके पास अवेलेबल होंगे, तब भी क्या इतना पैसा हमारे पास है? द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, द हिंदू में एक एडिटोरियल पढ़ रहा था मैं कुछ समय पहले, उसमें था 4 लाख करोड़ रुपए कम से कम इस एक्सरसाइज पे लगेंगे। 4 लाख करोड़ रुपए हमारे पास हैं, जिस तरीके से RBI से पैसा लिया जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, हमको अपनी फिस्कल सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि NRC के जो पैरामीटर्स हैं काफ़ी टाइट होंगे, तो इसमें भी दिक्कत है, क्योंकि टाइट होंगे तो बहुत सारे लोग पीछे छूट जाएंगे। कॉस्ट की समस्या तो अभी भी इसमें आएगी, पैसे की समस्या तो अभी भी आएगी, पैसे की तो आनी है अगर इंप्लीमेंट करेंगे। अगर माल मैं कहता हूँ, अगर 5 करोड़ या 6 करोड़ या 2 करोड़ लोग अगर छूट गए, NRC में नहीं आए, असम का एक्सपीरियंस जो शो करता है, मान लो ढंग से काम नहीं हुआ, जितना पैसा लगा उसके बावजूद, तो क्योंकि आधार का एक्सपीरियंस हमको ये दिखाता है, तो जितने लोग बच्चों को काम लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है एज ए UPSC एस्पिरेंट और एक टीचर के अनुसार कि सरकार को कुछ और सोल्यूशंस भी देखने चाहिए। इकोनॉमिक वीज़ा, टेम्प्ररी वीज़ा, सरकार को ये देखना चाहिए, सरकार और सिटीजन को भी ये समझना चाहिए कि सरकार के साथ मिलकर काम करें हम, सरकार के साथ वॉयलेंस ना अपनाएं और पीसफुली सरकार के साथ ये बात करके सुलझाएं कि क्या जो लोग, मान लो इलीगल फॉरनर, इलीगल जो लोग हैं डिसाइड हो गए कि ये तो इलीगल है, तो क्या उन लोगों को हम अपने साथ इंडल्ज करके अपनी GDP में योगदान दिलवा सकते हैं? हो सकता है वो लोग पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन उनके हिसाब से हम काम तो करवा ही सकते हैं। दो आम के चोरों को पकड़ने से अच्छा है 4 नए पेड़ लगा दो। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, स्किल दी जाए, उनकी पहचान करना जरूरी है, ठीक है? NRC के बाद अगर मान लो NRC इंप्लीमेंट हो जाती है, तो एक तो NRC क्यों इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया, अगर NRC इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए तो सरकार क्या कर सकती है, ये UPSC के लिए आपको जानना जरूरी है। सरकार उन लोगों को देश में कंट्रीब्यूट करवा सकती है। आप कहेंगे कि सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं क्योंकि उनका ये देश नहीं है, लेकिन हम जो हमारी स्टाफ की कमी है, वर्कफोर्स की कमी है पुलिस में, उनमें भी तो उनकी भर्ती कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जो वर्कफोर्स है उसमें कितनी स्किल चाहिए, जो हमारे जवान हैं सैनिक हैं उनमें थोड़ा बहुत हमको पढ़ा लिखेंगे और छोटे छोटे काम करवा ही सकते हैं ना। तो अगर NRC नहीं होता इंप्लीमेंट, तब तो वो सरकार की मर्जी और सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अगर इंप्लीमेंट होता है तो सरकार को ये कदम उठाने चाहिए जिनसे उन लोगों को हमारे देश में उनकी GDP, हमारी GDP बढ़वा सकते हैं, कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं। ये चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए, मेंस इंटरव्यू में काफ़ी ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे भी याद आई कि इलीगल माइग्रेंट्स एक्ट था 1983 का, बात सिटीजनशिप की है और बात यही है कि गवर्नमेंट थी BJP। अब वो पता नहीं मुझे कौन सी राज्य में थी, राज्य सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने चैलेंज किया था कोर्ट में कि ये गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ बिल्कुल ये गलत है। तो राज्य सरकार होते हुए हमारी जो भी गवर्नमेंट है वो अगर सेंट्रल के लोग को चैलेंज कर सकती है, तो आज की राज्य सरकार क्यों नहीं कर सकती? ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी एज ए UPSC एस्पिरेंट आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ के दो पहलू आपको पता होने चाहिए कि NRC अगर इंप्लीमेंट नहीं किया जाए तो क्या होगा, NRC इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या होगा। गाइस, ये थी हमारी वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद. गॉड ब्लेस यू ऑल.